बगिया के हम भी फूल हम किसी से कम नहीं हम मैं तो बस ऐसी हूँ रेखा। हाँ अब देखो ना, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है जब तक उसे ले नहीं लेती तब तक मुझे चैन नहीं आता। अब कल ही की बात ले लो, मैं गई थी बाजार में मछली लेने के लिए और पता है क्या हुआ, वहां पर शोकेस में रखे हुए डिजाइनर शूज मुझे पसंद आ गए। 8,000 के थे, मैंने तो झट से ले लिए। एकदम एक्सक्लूसिव हैं। इसलिए तुमने अपना नया फार्म हाउस भी एकदम एक्सक्लूसिव बनवाया है। तो सरला बहुत तारीफ कर रही थी, अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। एक्चुअली पता है मेरा फार्म हाउस इतना बड़ा है कि कभी कभी तो उसमें मैं खुद ही खो जाती हूँ। तुम शाम को किटी पार्टी पर तो आ रही हूँ ना, आकर खुद ही देख लेना। अच्छा ये तो बताओ शाम की पार्टी का मेन्यू क्या है। अरे यार सब कुछ फोन पर ही जान लोगी क्या, थोड़ा सब्र करो यार, थोड़ा सा सरप्राइज भी तो होना चाहिए है ना। अरे सरप्राइज तो मिसेज मेहरा ने दिया था, क्या बढ़िया खाना था भाई, सारा इंतजाम ताज से किया था। अरे छोड़ो इंतजाम कहीं का भी हो यार, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मिक्स वेजिटेबल्स में इतना ज्यादा नमक था, उफ, और वो छोले वो तो गले तक नहीं थे। लेकिन मलाई कोफ्ते तो बहुत टेस्टी बने थे। क्या खाक टेस्टी थे, भाई तेल तो इतना ज्यादा था कि उसमें मुझे कोफ्ते ढूंढने पड़ रहे थे। हाउ अनहेल्दी भाई, मुझे तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तुम हमें घास फूस ही खिलाओ। रेखा इससे पहले मैं भूल जाऊं, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो ना। जब तुम शाम को आओ तो अपनी नौकरानी को लेती आना, काम में मदद मिल जाएगी। क्यों तुम्हारी नौकरानी कहाँ गई? वो नौकरानी कहाँ है, वो तो महारानी है, महारानी। घर में कुछ काम नहीं करती, सच बताऊं सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। अरे हमारी नौकरानी कौन सी कम है, मेम साहब छुट्टी पर गई है, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी तो उसे चाहिए ही। भाई कभी उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए छुट्टी चाहिए, तो कभी गांव से आए रिश्तेदार से मिलने के लिए उसे छुट्टी चाहिए। मैं तो तंग आ गई हूँ। ये आजकल के नौकर तो इतने बिगड़ गए हैं, काम के न काज के, ढाई मन अनाज के। अरे खुद को हमसे कम तो समझते ही नहीं है, हर चीज अच्छी से अच्छी चाहिए इनको। अच्छा रेखा एक्चुअली दूसरी लाइन पे कॉल वेटिंग आ रही है, शाम को तुम मिली रही हो, बाकी बातें तुमसे शाम को मैं कर लूंगी। हाँ डोंट माइंड प्लीज, ओके बाय। ओके बाय। हेलो सरला, हाय क्या हाल है, आज शाम को तो आ रही हूँ ना। अरे तुम कुछ भी पहन लो, तुम पर तो सब अच्छा लगता है। नीना की बात छोड़ो, वो तो अपनी घटिया क्वालिटी वाली साड़ी पहनेगी और कहेगी कि पेरिस से लाई हूँ। सरला एक्चुअली दूसरी लाइन पे कॉल वेट आ रही है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज थोड़ा होल्ड करो। हाय नीना कैसी हो, शाम को तो आ रही हो ना, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी बात हो रही थी। अरे कुछ भी पहन लो यार, तुम पर सब अच्छा लगता है। अरे सरला की बात छोड़ो, वो तो ऊंची से ऊंची साड़ी भी पहनेगी और तब भी देहाती लगेगी। नीना इफ यू डोंट माइंड एक्चुअली सरला होल्ड कर रही है, मैं थोड़ा उसे बाबाई बोल देती हूँ, राइट प्लीज थोड़ा होल्ड करो।
हाँ सरला। अरे कोई नहीं, नीना थी, कोई खास बात तो नहीं थी, बस गप्पे मारने के लिए फोन कर दिया। कुछ काम वाम नहीं करती है, दूसरों की बुराइयां करती रहती है बस। सरला इफ यू डोंट माइंड, एक्चुअली मेरा बहुत काम बचा है, तुम शाम को मिली रही हो, बाकी बातें बाद में करते हैं। हाँ बाय। नीना, सरला को तो तुम जानती हो, अरे गप्पे मारने के लिए फोन कर दिया, काम वाम कुछ नहीं होता यार, बस दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं। नीना एक्चुअली अभी मुझे बहुत काम बाकी है, अगर तुम बुरा ना मानो तो शाम को बाकी बातें करते हैं। ठीक है, बाय। ए, पिछले आधे घंटे से तुमसे मटर नहीं छीले गए? मेम साहब पूरे 5 किलो हैं। 5 किलो हैं? अगर हाथ जल्दी चलाएंगे तो कलाइयों में मोछ नहीं आ जाएगी, समझी आप? सुबह से इतना काम बाकी है, अभी तक कुछ नहीं किया। मेम साहब मैंने तो सब कुछ कर दिया है, आप पता नहीं क्यों ऐसे ही परेशान हो रही हैं। क्या खा कर लिया है? बेबी को नाश्ता दिया? जी वो तो बहुत पहले ही दे दिया था। पेड़ पौधों को पानी दिया? जी दिया। कपड़े धो लिए? जी धोए। शाम के लिए प्लेटें निकाली? जी निकाली। कुछ काम नहीं करती, सुबह से सिर्फ इतना सा काम किया है? अरे भाई जब सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा तो काम कहां से होगा मैडम से, जब देखो सीईसी सीईसी सीईसी, काम वाम तो कुछ नहीं होगा तुमसे, आई नो दैट। चाहे काम कर करके मर भी जाऊं ना तब भी कभी मेरी तारीफ नहीं करेंगी। हाँ। तारीफ तो मैं पिंकी की जितनी भी करूं कम है, अब देखिए ना अगर पिंकी ना हो तो फिर काम कैसे हो। हाँ वो भी आपकी बहुत तारीफ करती है, कहती है कि मेम साहब मेरा बहुत ख्याल रखती है। देखिए ना मैं तो यहाँ पर बस छुट्टियों में आती हूँ और हमारी गैरहाजिरी में पिंकी ही सारा काम संभालती है। आप तो जानते हैं आजकल अच्छे नौकर कितने मुश्किल से मिलते हैं, और फिर नौकरों को पटाकर भी तो रखना पड़ता है। और आजकल नौकर चाकर के बारे में कौन इतना कुछ करता है, और कई लोगों के तो दिमाग की सोच ही इतनी घटिया होती है ना कि वो इन्हें इंसान समझते ही नहीं। देखिए मिसेस पाटंकर मैं तो बस ऐसी ही हूँ, दूसरों के लिए काम करना तो मेरे नेचर में ही शामिल है, इसलिए अपने फ्रेंड्स के बीच में मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। आप इतनी सोशल जो है, वैसे आप छुट्टियों में ही यहाँ आती हैं, आप आकर यहाँ रहती क्यों नहीं है? देखिए मेरा बस चले तो मैं यहाँ पर आकर जरूर रहूं, लेकिन आप समझती हैं मुझे बहुत से काम होते हैं, कभी महिला संगठन का मोर्चा तो कभी प्रोग्रेसिव क्लब की मीटिंग, आई गेट टायर्ड, लेकिन तभी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं झट से शहर की लाइफ को छोड़कर यहाँ पर आ जाती हूँ। पर मिसेस बैनर्जी शहर की तो बात ही अलग होती है ना। अजी कहा, शहर में तो मेरा दम घुटता है, इतना शोर इतनी भीड़, उफ। और सच बताऊं तो मुझे शहर के लोग भी पसंद नहीं, देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कितना शो ऑफ करते हैं, कितना दिखावा करते हैं। मेरे हस्बैंड तो हमेशा अमेरिका या यूरोप जाते ही रहते हैं और हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। और सच बताऊं हमारे घर में जितनी भी चीजें हैं ना सारी की सारी विदेशी हैं, लेकिन मैं तो कभी भी शो ऑफ नहीं करती। मिसेस दवाजी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें भी कितनी सरल हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, जब भी फार्म हाउस में आऊंगी तो शायद मैं बोर नहीं होंगी, लेकिन आप बोर नहीं हो जाती? अजी कहां, यहाँ के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, सारा समय तो यही निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें मिसेस आनंद आ जाती है, बस यूं ही समय बहल जाता है। मिसेस आनंद कौन है वो? ये जो सामने वाला फार्म हाउस है ना ये इन्हीं का है। ओ, अरे आपको पता है वो जो पीछे वाले पाटिल जी है ना, उनका बेटा जो अमेरिका में रहता था वही किसी अंग्रेज लड़की से शादी कर रहा है। अरे मिसेस आनंद मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी, ये है मिसेस माया बनर्जी,
जो 13 नंबर वाला बंगला है ना, वो इन्हीं का है। अच्छा अच्छा, पिंकी आप ही क्या काम करती है? जी जी, आप भी पिंकी को जानती हैं? हाँ, उसे तो सब जानते हैं, रोज ही तो मिलती है। मतलब सारा दिन फुदकती रहती है और घर का काम कुछ नहीं करती। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि एक्चुअली आज मेरे यहाँ किटी पार्टी है, आप लोग जरूर आइएगा। जी कहाँ, हमें फुर्सत ही कहाँ मिलती है। नहीं नहीं, हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ, जरूर आइएगा, यू मोस्ट वेलकम। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे बैठिए, अभी तो मिले हैं, थोड़ा गपशप करते हैं। काम करने के लिए पिंकी है ना, आपको किस बात की फिक्र है? वो एक्चुअल में क्या है, उसे काम में मदद करनी है। मदद करेंगी मेरी? अरे जिस दिन वो मेरी मदद कर दे ना, उस दिन आसमान फट जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ भूचाल आ जाएगा, भूचाल, एक उंगली तक तो हिलाती नहीं है। जितने दिन यहाँ नहीं रहती कितना चैन रहता है। क्या हुआ पिंकी, किससे बात कर रही हो? यहाँ कोई दिख रहा है? अरे तो अपने आप से बातें कर रही होंगी ना। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। सिलसिला पिक्चर में अमिताभ बच्चन भी तन्हाइयों में एकदम अपने आप से ऐसे ही बातें करता है। हाय रे, मैं अपनी फूटी किस्मत लेके कहाँ जाऊँ, घर में मेम साहब की बड़बड़ और यहाँ इसकी मस्करी। ए पिंकी क्या हुआ, तू अपुन को बोलना, इस हरिया के बच्चे ने कुछ कहा क्या? तू अपुन को बोल, अपुन अभी इसके कान के नीचे बजाता है। ओए होए, नहीं वो मेरी मेम साहब आई हुई है ना शहर से, जब से आई है मेरा तो जीना हराम कर रखा है। उनकी किट्टी पार्टी ना हो गई, मेरे तो जी का जंजाल हो गया है बस। तुम कहो तो मोकैम्बो भाई से बात करूं, वो ऐसी मिसाइल तुम्हारी मेम साहब के घर पे छोड़ेगा कि फिर कोई मिस्टर इंडिया भी उसको नहीं बचा पाएगा। लो फिरो, चुप कर, तू सिनेमा घर में भी ऐसे ही पछता होगा, तुझे लोग वहां से भगा नहीं देते। ओए होए, मैं थोड़ी देर और तुम लोगों के साथ बैठी रह गई ना, मेरे तो सिर में वो हो जाएगा, हाँ सिर दर्द, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से बस। यार ये चंद्रमुखी पिक्चर के बीचों बीच अचानक से ज्वालामुखी की रील कैसे लग गई? वैसे क्या कह रही थी पिंकी, इसकी मैम साहब कौन सी पार्टी कर रही है? किटी पार्टी। किटी पार्टी क्या होती है? जहाँ कुछ औरतें खूब सज धज के आती हैं, खूब सारा खाती हैं, फिर अपनी अपनी सासों की, अपने अपने बहुओं की, अपने अपने नौकरों की खूब सारी बुराई करती हैं। ओ अब समझा, बीवी हो तो ऐसी फिल्म में बिंदु भी अपने घर पर ऐसे ही किटी पार्टी करती थी। वैसे ये बैनर्जी मैम साहब अपने पिंकी को बहुत तंग करती, बेचारी की जान ही निकाल ली है। मैम साहब आप, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आपने ये चेहरे पे क्या? मेरी तो जान ही निकल गई थी, कितनी भूतनी लग रही थी। पता नहीं जिसको चेहरे पे लगाने के बाद चेहरा इतना डरावना लगने लगता है, लोग उसे लगाने के बाद इतने खूबसूरत कैसे हो जाते हैं। चल बे पिंकी, तू स्नैक्स बना, पता नहीं आज औरतें कितना खाने वाली हैं। मुझसे पिंकी की हालत तो देखी नहीं जाती। अपुन को तो लगता है पिंकी की मैम साहब का जरूर कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? किधर से टपके लिए? अब नहीं, अब वो ये तो गब्बर सिंह का शोले फिल्म में डायलॉग था। पार्टी कब है, कब है पार्टी? वाह, पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, मेरा मन कर रहा है ये सारे पकोड़े मैं खा लूं। वैसे माया, ये पकोड़े बनाए किसने हैं? मेरी मेड पिंकी ने। हाँ वाकई बहुत अच्छे बने हैं, अगली बार जब मेरे घर में पार्टी होगी तो सारे के सारे स्नैक्स पिंकी से ही बनवाऊंगी। अरे उसके बस का कुछ नहीं है, सच में वो तो सुबह से किचन में मैं खड़ी हुई थी तब जाके कुछ काम हुआ। देखो ना,
सुबह से तैयार भी नहीं हो पाई हूँ। माया आप तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस झूठी तारीफ कर रही हैं। मैं रोज ऐसी रहती हूँ। मिस शर्मा आप कुछ लीजिए। माया तुम्हारा ये फार्म हाउस बहुत ही शानदार है, बनवाने में काफी खर्चा आया होगा। शानदार होगा कैसे नहीं, उड़ीसा से कारीगर मंगवाए थे स्पेशली नक्काशी करवाने के लिए। तुम्हारी पिंकी तो बड़ी स्मार्ट है। स्मार्ट क्यों नहीं होगी, दिन भर मेकअप जो करती रहती है, और जब से सीईसी खुला है तब से मैडम के पांव घर पे तो टिकते ही नहीं है। पिंकी जरा देखो तो कौन आया है। मिसेस पाटंकर होंगी शायद। आ गए आप लोग, बहुत देर कर दी। खैर कोई बात नहीं, अभी भी ढेर सारा खाना बाकी है। ये मिसेस पाटंकर हैं और ये है मिसेस आनंद। वो सीईसी की जो मैं बात कर रही थी ना, ये इनके हस्बैंड और ये दोनों ही वहाँ पढ़ाते भी हैं और रहते भी हैं। मिसेस आनंद क्या आप भी वही रहती हैं? हाँ जी, सीईसी के सामने वाला बंगला हमारा ही है। मिसेस पाटंकर ये एजुकेशन सेंटर शुरू करने का आपके मन में कैसे ख्याल आया? नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की एक स्कीम है और मिस्टर ज्ञान सागर इसे अपने फार्म हाउस पर चला रहे हैं। हम तो बस उनके इस काम में हाथ बटाते हैं। ये मिस्टर ज्ञान सागर वही हैं जो जीएस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं? हाँ वही। प्लीज बैठिए। अरे ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा है, भला उन्हें सब की क्या जरूरत? अब देखिए पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना, वो ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग पढ़ लिख कर कुछ सीखें और इससे लाभ उठाएं। भाई क्या लाभ उठाएंगे, माया कह रही थी जब से सीईसी खुला है हमारी पिंकी का तो काम में मन ही नहीं लगता। एक्चुअली मैं कह रही थी कि पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन पिंकी इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी। देखिए ना, हम उसे इतना अच्छा खिलाते हैं, उसके लिए कपड़े देते हैं, उसे आराम से रखते हैं, फिर किस बात की कमी उसे। अब देखिए ना, पढ़ाई लिखाई से हर इंसान अपना काम बेहतर कर पाता है। अब पिंकी को ही ले लीजिए, जब से उसने सेंटर आना शुरू किया है वो पढ़ाई लिखाई से सारा काम इतना होशियारी से करने लगी है कि आपकी गैर हाजिरी में भी सारा हिसाब चुटकियों में कर लेती है। आप ठीक कह रही हैं। भाई पढ़ लिख कर इन लोगों का दिमाग भी तो खराब हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ओफो, अब कौन आ गया? प्लंबर। क्या काम है? कंप्लेन है। ओए हमने तो कोई कंप्लेन नहीं करी। हमने कब कहा कि आपने कंप्लेन की है? अरे तो यहाँ क्यों आए हो? आपके पड़ोसी के बच्चे नहाते नहीं है। अरे तो हम क्या करें? उनके बाथरूम में पानी नहीं आता। भाई उनके बाथरूम में पानी नहीं आता तो उसमें हम क्या करें? उनके बाथरूम में पानी इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपके बाथरूम में पानी आता है। ओए होए तो हम क्या करें? आपको कुछ ना करना पड़े इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। क्या मतलब? क्या मतलब है? पाइप चेक करना पड़ेगा। बिल्ली! ओए! आपके घर के पाइप में लीकेज है, उसी को ठीक करना है। समोसे मुझे तो बचपन से ही बहुत पसंद है। बड़ा समोसे खाने वाला प्लंबर, हम तो बाथरूम में जाके काम करो। हमें बाथरूम में कोई काम नहीं है। पर पाइप तो बाथरूम में है। ये पाइप यहीं से होकर गई है, आप नहीं समझेंगे, सीक्रेट लाइन। मतलब कि अगर हमने लीकेज ठीक नहीं करी तो पाइप फट जाएगा। पाइप फट जाएगा तो उसमें बहुत सारा पानी निकलेगा और उस पानी में सब कुछ डूब जाएगा। आपकी इतनी अच्छी पार्टी चल रही है, आप लोग इसे क्यों खाम-खाम डुबा रही हैं? आप लोग खूब खाइए पीजिए और दूसरों की बुराई कीजिए। लगता है प्रॉब्लम यहाँ है। हरी सिंह शुरू हो जाओ। आपने क्या हमें कीमत पिक्चर का अक्षय कुमार और सैफ अली खान समझा है, जो हम प्लंबर का मेकअप करके घर में घुस गए? पिक्चर दिखाओ अपना पहचान पत्र। हम क्या पोस्टमैन है जो आपको पत्र देंगे? आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र वो। हाँ हाँ दिखाओ। तुझे अपना मुंह खोलना जरूरी था क्या? काय को बात किया पिक्चर का? तुझे अपनी जुबान पे लगाम लगाना नहीं आता क्या? बोला ना यार सॉरी।
सीतारा हम आपको बाद में बताएंगे, आप मुझे ये बताइए अपने अबर अकबर एंथनी पिक्चर देखिए, उसमें एक बैंड वाला होता है और एक पादरी होता है। अब जो पादरी होता है वो होता है अमिताभ बच्चन, और जो बैंड वाला होता है वो भाई आपकी पिंकी तो बड़े काम की निकली, क्या अकलमंदी दिखाई है भाई, हमेशा पहचान पत्र तो देख ही लेना चाहिए। पढ़ लिख कर होशियार जो हो गई है। क्या खाक होशियार हो गई है, दिमाग खराब हो गया उसका, देखिए ना सफाई नहीं की अभी तक। वो एक्चुअल में मैं भूल गई थी, वो आज सुबह को खड़े होके मैंने ही तो सफाई करवाई है। आप लोग कुछ लीजिए ना प्लीज, पिंकी जल्दी कोल्ड ड्रिंक्स लाओ, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई है, ये लीजिए ना, वैसे आप लोगों को देखकर अरे साहब ऐसा तो नहीं लगता जैसे कि आप इतना कम खाती होंगी। साड़ी तुमने खराब कर दी। कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत अच्छी नहीं। क्या अब तुम मुझसे सामान लाओगे? हाँ क्या हुआ ये देखो ना, ये तूने क्या किया बुए? क्या रे, तू कोई भी काम चकाचक नहीं कर सकता, इतना सामान लेके तू चलता तो तू भी गिर पड़ता। अब तू यहाँ बार बार खोपड़ी खटका रहा है अंदर घुसने के तरीके ढूंढने के लिए, और तू है हर बार कचरा कर देता है। मैंने इस बार इतनी कोशिश करके फिल्म का कभी नाम भी नहीं लिया, फिर भी गलती से मिस्टेक हो गया। ऐसा बार बार नहीं चलेगा, हम हर बार कोई ना कोई बनकर अंदर नहीं घुस सकते ना। माया ये साड़ी नई है क्या, पहले कभी पहने हुए नहीं देखा। अरे माया क्या कभी एक बार से अधिक कोई साड़ी पहनती है क्या? इतनी साड़ियों का आप करती क्या है? मिस्टर बैनर्जी भी कई बार ना मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े जूतों और तुम्हारी चप्पलों के लिए उन्हें एक नया घर बनवाना पड़ेगा। मिसेस आनंद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आपसे मिलकर पता ही नहीं चला कि हम पहली बार मिल रहे हैं। आप तो बड़ी छुपी रस्तों निकली मिसेस आनंद, आपने बताया ही नहीं कि आपका ड्राइवर पढ़ने जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उसे पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है, कौन सा पढ़ लिख कर उसे अफसर बनना है, ऐसे लोग पढ़ लिख कर ना सातवें आसमान पर चढ़ जाते हैं। नहीं हमारे संतराम का तो दिमाग बिल्कुल खराब नहीं हुआ। मिसेस आनंद आप तो बहुत लकी निकली, वरना लोग नौकरों को पढ़ाने के बाद बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे तो ऐसी आसानी नहीं हुई, बल्कि ये टाइम मिला है तुम लोगों को आने का, सुबह का फोन कर रखा है और तुम लोग हो कि अब आए हो। सॉरी मैडम। ओए होए यहाँ क्या रख रहे हो, मैं अकेली जान के ये सारा सामान उठाऊंगी। ओए तुम दोनों क्या जुड़वा हो? जीनू खैर चलो अंदर आओ। ओए होए तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखिए हम चाहते हैं कि ये सारा सामान हम किचन के अंदर रखते हैं, आपकी मदद होगी। चलो भाई राजा। कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं कैसे हो तुम लोग, और वैसे भी आजकल जमाना बहुत बुरा है। आपको क्या हम शक्ल से चोर या डाकू लुटेरे लग रहे हैं? एक नंबर के गुंडे नजर आ रहे हो। ऐसे आजकल के नौकरों पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी पिछले हफ्ते की बात है, सिविल लाइंस में एक नौकर ने अपनी मैम साहब को पागल कुत्ते से कटवा कटवा के मरवा दिया। बेचारी पानी पानी भी नहीं बोल पाई। वैसे आपके पास कोई कुत्ता है क्या पागल वाला? ओए जरा इनकी जुबान तो देखो, और तुम लोग क्या भरोसे की बात कर रहे हो, हिसाब में पूरे 30 रुपए की गड़बड़ी है। हिसाब बराबर है? हाँ तो मैं भी वही कह रही हूँ कि मैंने भी हिसाब जोड़ा है,
पूरे 30 रुपए की गड़बड़ी है। तुम दोनों यहाँ से निकलते हो या मैं बताऊँ कौन हो तुम लोग? बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों को। देखा मैम साहब, चला था पिंकी से होशियारी करने। ये लोग सोचते हैं बिल में जितने मर्जी पैसे लगा के भेज दो, इन्हें मिल जाएंगे। कोई जोड़ने वाला तो है नहीं। हम कोई बेवकूफ है क्या? हमें भी हिसाब आता है। देखा मिसेस बनर्जी, अब पिंकी आपका हर काम कितनी होशियारी से करने लगी है। माया, वैसे मिसेस पाटंकर बात तो सही कह रही है। तभी तुम्हें मैं ख्याल रखती हूँ कि पिंकी सारी क्लासेस में जाए, वो खूब पढ़ाई करे। पिंकी इधर आ। जी मैम साहब। पिंकी तू सबको बता, तुझे पढ़ाई करने के लिए कौन कहता है? मैं बताती हूँ, वो इसे पढ़ाई करने के लिए मैं ही तो कहती हूँ। मैं ही तो चाहती हूँ कि ये खूब पढ़े लिखे। बल्कि मैं तो इसके लिए बुक्स भी लेकर आई हूँ शहर से। पर क्यों? तुम्हें तो पिंकी को पढ़ाने में तकलीफ होती है ना? हाँ, कुछ तकलीफ तो होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी तकलीफ से पिंकी का जीवन संभल जाए तो मैं वो तकलीफ लेने के लिए तैयार हूँ। भाई वाह, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। मैं तो बस ऐसी ही हूँ। एक बात अपुन की खोपड़ी में नहीं घुस रही ली है कि तूने अपुन को पहचाना कैसे? हाँ पिंकी, हमने तो इतना अच्छा मेकअप भी किया था। बाजी फिल्म में जब आमिर खान लड़की बनता है तब तो उसे किसी ने नहीं पहचाना था। ओए होए, तुम्हारे मेकअप की वजह से कुछ नहीं हुआ। तो फिर तूने अपुन को पहचाना कैसे? बिल देखकर। ओए संतराम, तू हिसाब करना कब सीखेगा? कम से कम यहाँ तो गड़बड़ नहीं करता। हम किसी से कम नहीं। उर्दू सेटिंग वाला फंडा थोड़ा बदल गया है। अनपढ़ नहीं रहेंगे यारो, हमने सोच लिया है। घूम गया है।